दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों हम जिंदगी में हम सब लोग सफल होना चाहते हैं, पर सफल कैसे हुआ अगर हम अपना काम कुछ समय के लिए करें उसके बाद फिर बंद कर दें, फिर कुछ समय के लिए करें फिर बंद कर दें, मतलब अगर आप अपना काम बीच में ही बंद कर देंगे तो आप जिंदगी में कोई भी काम करोगे तो सफल कभी नहीं हो पाओगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग अपनी मंजिल में पहुँचने से पहले ही बीच रस्ते से वापस हो जाते हैं। सच बताऊँ अगर वो जितना समय बीच रस्ते से वापस होकर अपने वापस घर जाने में लगाते हैं उतने ही समय अगर वो और दे दे तो हो सकता है कि वो मंजिल को अपना ले। चलिए सुनते हैं इस बात पर छोटी सी स्टोरी। हो सकता है स्टोरी के जरिए मैं अपनी बातों को आपके कानों के जरिए आपके दिमाग तक पहुँचा सकूँ और आपकी थोड़ी सी सोच बदल दूँ, क्योंकि सोच बदलती है तो दुनिया बदलती है। दोस्तों ये कहानी है एक राजा की, छोटे से राज की, जो बड़े से राज के साथ में युद्ध करता है। अच्छा उसके जो छोटे से राज्य के जो सैनिक होते हैं वो बहुत दिनों तक युद्ध करने के बाद में उनको ये लगता है कि भैया हम तो युद्ध जीत नहीं पाएंगे, अब ऐसा लगता है कि भाग ही जाओ क्योंकि इतने बड़ी सेना, इतना बड़ा राज्य और हम इतने कम, तो हम कैसे युद्ध जीतेंगे। तो ये बात उनके राजा को पता चल जाती है। तो उसका राजा सोचता है कि यार अगर मैंने अपने सैनिकों का कुछ नहीं किया तो ये तो युद्ध के मैदान छोड़ कर भाग जाएंगे। सो वो एक रात जब विश्राम होता है युद्ध का तो अपने सैनिकों को बुलाता है और सैनिकों को बुलाकर अपने सैनिकों को एक भाषण देता है। भाषण में कहता है कि अभी तक जो हम कर रहे थे वो हम सिर्फ बचाव कर रहे थे, अभी तक हम सिर्फ डिफेंस कर रहे थे, अब कल से हम अटैक करेंगे। तो दोस्तों वो राजा कहता है कि युद्ध के कुछ नियम होते हैं और ये नियम ये कहते हैं कि पहले अपने अपोनेंट को जानिए, कुछ समय तक अपोनेंट को जानने के लिए उस डिफेंस कीजिए, बचाव कीजिए और जब आपको लगे कि वो क्या क्या तरीके उसके मारने के हो सकते हैं उसके बाद अटैक कीजिए। सो चलिए कल से हम अटैक करेंगे और कल सब लोग यहाँ पर एक जगह पे मंदिर है और उस मंदिर के सामने मिलिए, वहाँ पर मैं पहले पूजा करूँगा उसके सामने, फिर मैं आपको प्रसाद दूंगा, उसके बाद हम अटैक करने जाएंगे, आप देखेंगे कि कल हमें कोई नहीं हरा पाएगा। तो सारे सैनिक उसकी बात सुनकर थोड़े से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। दोस्तों उनके सैनिकों को लगता है कि यार ये राजा पागल हो चुका है क्योंकि हम इतने कम लोग हम युद्ध हार रहे हैं और ये राजा हमसे क्या क्या बातें कर रहा है। सो अगले दिन वो सैनिक जब जाते हैं तो राजा जब एक मंदिर में पूजा करके बाहर निकलता है तो वो सारे सैनिकों से कहता है कि देखो भगवान ने मुझे एक सिक्का दिया हुआ है और इस सिक्के में भगवान ने कहा है कि अगर मैं उछालने पर अगर हेड आया तो जीत हमारी ही होगी और अगर टेल आया तो हम नहीं जीतेंगे। सो सारे सैनिक इस बात को मान लेते हैं और जब वो सिक्का उछालता है तो हेड आता है तो सारे सैनिक इतने खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं और वो कहते हैं कि यार आज तो हम ही जीतेंगे चाहे कुछ हो जाए। और जब वो युद्ध करने जाते हैं तो उनकी बल शक्ति इतनी बढ़ जाती है दोस्तों, तो दोस्तों वो छोटी सी टुकड़ी एक राजा की, राज्य की एक बड़ी राज्य की टुकड़ी को हरा देती है और वो जीत जाते हैं। कि कैसे सैनिकों ने ये सारी बातें मानी, देखा तो देखा आपने कैसे चमत्कार काम करता है। अब मैं सच बताऊँ हुआ क्या हुआ, ये था दोस्तों राजा ने जो सिक्का उछाला था उसके दोनों तरफ हेड था क्योंकि राजा को अपने सैनिकों के मन में ये बात विश्वास दिलानी थी कि हम जीत सकते हैं, आज भी हम जीत सकते हैं, अगर इतनी मुश्किलें आ चुकी हैं हमें हार, हमने इतना हार का सामना कर लिया है फिर भी अगर हम चाहें अपने दिल को मजबूत करें और इरादों को मजबूत करें और अगर हमने दृढ़ निश्चय बना लिया, संकल्प कर लिया, जुनून लिया है, कुछ मन में जोश लिया है कि अब मुझे कर दिखाना है, अब मैं पीछे नहीं हट सकता, या तो करूँगा या तो मरूँगा। सो देखिएगा दोस्तों 99.9% ऐसा ही होता है कि आदमी कर जाता है, मरता कभी नहीं है। राजा की एक झूठी बात समझकर वो आगे लड़े और लड़कर उन्होंने बड़ी राज्य को जीता। दोस्तों मैं यहाँ पे यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग, जो मेरे भाई, जो मेरे स्टूडेंट्स, जो भी टेक्नीशियंस हैं, जो भी इस वीडियो को देखते हैं, अगर वो अपने काम को कर रहे हैं और सेटिस्फाई नहीं है और फिर बाद में सोचते हैं कि मैं छोड़ दूँ दूसरा काम करूँ, मुझे लगता है कि इतना समय जब आपने अपने काम को दिया, इतना नॉलेज जब आप रखते हैं, क्यों ना उस नॉलेज को अपडेट करें। अपडेट करने से फ़ायदा आपका होगा क्योंकि इसमें आपको आगे काम करने में सहूलियत होगी, क्योंकि दोस्तों अगर कुछ चीज़ आप जानेंगे नहीं तो मुझे नहीं लगता कि आप काम नहीं कर पाएंगे। फिर भी बीच अरसों से कभी मत लौटिए क्योंकि ज़िंदगी में जो बीच अरसे से लौट जाता है एक बार उसे ज़िंदगी में मंजिल कभी नहीं मिलती, इसलिए कभी भी बीच अरसों से मत लौटिए। कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठान लें जुनून से, ठान लें मन में कि जुनून की कुछ कर दिखाना है तो जीवन में, दोस्तों जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप ना कर दिखाएं। ये मेरा आपसे वादा है कि जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा कर जाएगा जिससे उसके माँ बाप को और उसको बाद में एक ना एक दिन प्राउड फील होगा। आई होप कि ऐसा हो आपके साथ। देवेंद्र अग्रवाल और एसेट डेली को हमेशा आपके साथ रहेंगे और इसी तरह आपको मोटिवेट करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो नीचे दिए लाल बटन को आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो को आप रोज़ देख सकें और वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।